हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला में। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये वाले जो एमसीक्यूज है, ये आईटी ऑफिसर का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छा, टॉपिक्स की अगर हम बात करें कि टॉपिक इसमें कौन कौन से इंक्लूड किए हैं, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है आपका अल्फा एंड बीटा, उससे कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे, क्यू से कुछ क्वेश्चन हैं। उसके अलावा अगर हम देखें एरेज जो हैं आपके, उनसे कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो इस वाले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक दो क्वेश्चन यहाँ सॉर्टिंग एल्गोरिथम से रिलेटेड भी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ़ अ क्यू हैज़ ओनली वन एलिमेंट इन इट एंड सम स्पेस इज ऑल्सो देयर फॉर इंसर्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, देन वॉट शुड बी ऑलवेज ट्रू फॉर दिस क्यू। तो आपसे बोला क्या गया है कि क्यू है एक, उसके अंदर सिंगल एलिमेंट है। इसको जैसे जैसे हम समझें अगर, तो ये आपकी एक क्यू है, इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है। जैसे मान के चले हम कि इस लोकेशन पे एक सिंगल एलिमेंट एक्स यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। तो आपसे बोला हुआ है कि इनमें से कौन सा जो कंडीशन दी हुई है वो ट्रू कौन सी होगी। अच्छा देखो, क्यू की जब भी हम बात करते हैं तो क्यू में दो चीज़ें हैं जो ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो होता है आपका फ्रंट और दूसरा होता है आपका रियर। ये दो चीज़ें जो हैं, दो पॉइंट्स जो हैं, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। फ्रंट जो है ये डेटा डिलीट करने के काम आता है, डिलीशन भी बोल सकते हैं हम लोग। और रियर जो है ये डेटा के इंसर्शन से रिलेटेड होता है, डेटा को इंसर्ट करने का काम यहाँ से किया जाता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शंस में हमको रियर फ्रंट गिवन है, यहाँ पे भी फ्रंट और ये रियर होगा। लेफ़्ट और राइट गिवन है, लेफ़्ट और राइट तो पहले ही हट जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट और राइट कहाँ पर होते हैं आपके, डी क्यू में होते हैं, डबल एंडेड क्यू जो होती है, तो वहाँ पर ही रहते हैं। अच्छा देखो, इसमें क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रंट और रियर इन दोनों को लेके इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो होगा क्या कि अगर एक एलिमेंट है तो ये वाला जो पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि क्या कि यही वाला पार्ट होगा आपका फ्रंट, यही वाला पार्ट होगा आपका रियर। मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी, वन हो सकती है, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है। मतलब दोनों की जो वैल्यूज़ है वो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, इन दोनों वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये जो वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम रहने के पीछे लॉजिक क्या है कि यहाँ पे पीछे वाली जो वैल्यू है इनकी, ये वाली वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या, यहाँ पे जीरो लोकेशन कोई सी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन, पहला वाला जो दिया हुआ है रियर इक्वल टू फ्रंट इक्वल टू नल, तो नल तो होगा ही नहीं। दूसरा अगर ऑप्शन देखें फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल, तो ये आपका आंसर इसका निकल के आता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया आपका, सेकेंड ऑप्शन। ये ध्यान रखिएगा, क्यू जो है उसके बेसिक जो फीचर हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन विच केस ऑफ अरे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन वी आर नॉट एबल टू फाइंड द एक्चुअल साइज ऑफ अरे। देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपको गिवन है, इन वैल्यूज़ से रिलेटेड आपसे ये बोला गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे हम लोग अरे की साइज़ नहीं निकाल सकते। अरे की साइज़ निकालने के लिए लॉजिक क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ए बी सी आपको दिया हुआ है, ये जो पैरेंथेसिस होते हैं बिग ब्रैकेट्स जनरली इनको कहा जाता है, तो इसके बीच में जो वैल्यू होती है ये बताती है अरे की साइज़। और अगर साइज़ की हम बात करें तो दो वैल्यूज हमको चाहिए साइज़ निकालने के लिए। अगर यहाँ पे साइज़ नहीं है तो एक होता है लोअर बाउंड, एक होता है अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड अगर हमारे पास है और अपर बाउंड हमारे पास है तो हम इससे भी साइज़ निकाल सकते हैं। जनरली लिखा कैसे जाता है, इसका फॉर्मेट अगर हम देखें तो एरे का नेम, उसके बाद में लोअर बाउंड कॉलन अपर बाउंड, ये जनरली लिखा जाता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसको लोअर बाउंड को एक मान लिया जाता है, तो यहाँ पे जनरली अपर बाउंड की वैल्यू दी जाती है। तो देखो पहला वाला अगर हम देखें इसमें, तो पहले वाले में कॉमा यहाँ पे लगाया हुआ है, मतलब कॉमा इसके अंदर आता नहीं है, फॉर्मेटिंग इसकी गलत है। सेकेंड वाला देखें हम तो सेकेंड वाले में लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी दी हुई है, वन, अपर बाउंड की वैल्यू कितनी दी हुई है, टू। मतलब कि ये जो है यहाँ से हम साइज़ निकाल सकते हैं। थर्ड वाला अगर हम देखें तो लोअर बाउंड यहाँ पर दिया हुआ है माइनस वन, अपर बाउंड यहाँ पर दिया हुआ है 22। मतलब यहाँ से भी हम वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। डी जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, तो ये जो डायरेक्ट वैल्यू दी हुई होती है ये हमेशा मान के चलते हैं अपर बाउंड की। और यहाँ पे लोअर बाउंड की वैल्यू हमको नहीं दी हुई, तो लोअर बाउंड की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मानेंगे हम वन। तो इसका देखो यहाँ तो इसका आंसर क्या निकल जाता है, ए। और अगर हम देखें कि फॉर्मूला क्या होता है या फिर किसके थ्रू इसकी वैल्यू निकाली जाती है, तो वो होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस वन। इससे आप अरे की जो साइज़ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है,
विच वन टाइप ऑफ बीटा टेस्टिंग इज डन पब्लिकली बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर ऑनलाइन टू द कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। देखो बीटा टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो बीटा टेस्टिंग जो है ये हम बोल सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो होता है उसकी शिपिंग के पहले या फिर प्रोडक्ट को जब फाइनल रिलीज़ करना होता है उसके जस्ट पहले किया जाता है। तो इसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल बीटा की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल बीटा जो होता है ये जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, जैसे एग्जांपल हम लोग लें कि किसी कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया, तो एक फोकस्ड मार्केट प्लेस बोल लीजिए या फिर एक लिमिटेड मार्केट प्लेस बोल लीजिए जिसके लिए बनाया गया है, टारगेट मार्केट जो है या टारगेट पार्ट जो है, जैसे कॉलेज के लिए बनाया गया है तो कॉलेज में ही उस सॉफ्टवेयर को रिलीज़ किया जाता है कि आप एक बार इसको चेक करके देख लीजिए। टेक्निकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी बना रही होती है वो अपने एम्प्लॉइज़ को इसको चेक करने के लिए दे देती है। पब्लिक बीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन यूजर्स को दे दिया जाता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो व्हाट्सएप जो है आपका, इसमें बीटा प्रोग्राम चलता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, आप उसमें साइन इन कर सकते हैं। जो फीचर्स पब्लिक के लिए आने वाले हैं नेक्स्ट वर्जन्स में वो पहले ही आपको दे दिए जाते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें पोस्ट रिलीज बीटा, पोस्ट रिलीज बीटा की अगर हम बात करें तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं, फाइनल वर्जन एक दिया जा चुका है, उसके बाद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो वाले इम्प्रूवमेंट्स देने के लिए ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, मतलब ये वाला जो बीटा वर्जन है, ये यूजर्स को दिया जाता है पहले। मतलब फाइनल तो वो यूज में ले ही रहे हैं, साथ ही साथ बीटा वर्जन उसको यूज में लेके चेक कर लेते हैं। फोकस्ड बीटा की अगर हम बात करें तो इसमें कोई स्पेसिफिक फीचर होता है, कोई एक स्पेसिफिक फीचर होता है, उस फीचर को यूजर्स से चेक करवाने के लिए या फिर उसकी रिलायबिलिटी चेक करने के लिए यूजर्स को दिया जाता है। तो आपसे तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सी बीटा टेस्टिंग है जो पब्लिकली की जाती है, तो वो होता है आपका पब्लिक बीटा, इसका आंसर आपका पब्लिक बीटा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इज यूज इन बीटा टेस्टिंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। देखो बीटा टेस्टिंग की अगर हम बात करें, जैसे आपकी अल्फा टेस्टिंग है और एक बीटा टेस्टिंग है, ये दो टेस्टिंग है, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों क्वेश्चन इससे काफ़ी सारे बन जाते हैं। अल्फा टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो अल्फा टेस्टिंग के अंदर आपकी वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स दोनों टेस्टिंग होती है। अच्छा, अब ये वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स क्या है इनको एक बार समझ लेते हैं। वाइट बॉक्स का मतलब क्या कि जो टेस्टिंग है उसमें कोड जो है उसकी भी एक अपनी, ये बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस है, कोड जो है उसकी भी टेस्टिंग की जाती है। लेकिन ब्लैक की अगर हम बात करें तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ इनपुट से और आउटपुट से मतलब होता है, बीच में क्या चीज़ हो रही है इससे कोई मतलब नहीं होता। तो बीटा टेस्टिंग की देखो अगर हम बात करें तो बीटा टेस्टिंग जो है वो करते हैं आपके यूजर्स, जो रियल यूजर्स होते हैं, तो रियल यूजर्स को वाइट बॉक्स टेस्टिंग से या फिर कोडिंग से कोई मतलब नहीं होता, इनको सिर्फ सॉफ्टवेयर से मतलब होता है। और अगर सॉफ्टवेयर से मतलब है तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे जो भी चीज़ ये कर रहे होंगे वो किसके थ्रू कर रहे होंगे, इनपुट और आउटपुट के थ्रू, मतलब बीच वाले पार्ट से इनको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बीटा टेस्टिंग जो है इसमें कौन सी टेस्टिंग टेक्निक यूज में ली जाती है, तो वो होगा आपका ब्लैक बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो बोला क्या गया आपसे, विद रेस्पेक्ट टू बीटा टेस्टिंग विच स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। मतलब बीटा टेस्टिंग के रेस्पेक्ट में आपसे ये बोला गया है कि इनमें से कौन सा ट्रू है, तो इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन आपको दिया गया है, नॉन एज द फाइनल टेस्ट बिफोर प्रोडक्ट डिलीवरी। मतलब आपका जो बीटा टेस्ट है पहला वाला, तो ये क्या बोला गया आपसे कि जो आपका बीटा टेस्टिंग है उसको फाइनल टेस्ट कहा जाता है प्रोडक्ट डिलीवरी के पहले। अगर हम देखें तो ये बात सही है, क्योंकि नॉर्मली देखो क्या होता है, पहले होता है अल्फा, उसके बाद में होता है बीटा, फिर जाता है आपका सॉफ्टवेयर मेन प्रोडक्शन के लिए, या फिर हम ये बोलें कि यहाँ इसके बाद में डिलीवरी के लिए भी हम बोल सकते हैं। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवरी के लिए रेडी हो चुका है, तो ये है बात कि आपका जो फाइनल टेस्ट है वो ये कहला सकता है डिलीवरी के पहले। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फेलियर। नॉर्मल सी बात है कि अगर मान लीजिए सॉफ्टवेयर को रिलीज करने के पहले यूजर्स उसको चेक करते हैं, तो जो फाइनल रिलीज होने वाला होगा उसके पहले अगर मान लीजिए कुछ उसमें कमियां रह जाती है या कुछ उसके ड्रॉबैक्स पता लगते हैं या कुछ भी उसमें इम्प्रूवमेंट के पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब क्या कि जो रिस्क है फेलियर की वो कम हो जाती है, तो ये भी आपकी बात सही है। प्लेज़ अ वाइटर रोल
इन इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। भाई नॉर्मल सी बात है कि अगर मान लीजिए बीटा टेस्टिंग के अंदर उसको अगर चेक कर रहे हैं कोई कस्टमर्स या कोई यूजर्स उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वो जो अपना फीडबैक देंगे उस फीडबैक को गैदर करके सॉफ्टवेयर जो है उसकी क्वालिटी इंक्रीज की जा सकती है, नॉर्मल सी बात है। तो मतलब ये भी सही है, डन और परफॉर्म बाय द रियल यूजर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये पॉइंट भी सही है। मतलब इसका आंसर क्या निकल के आता है आपका, ऑल ऑफ द अबव। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि बीटा टेस्टिंग जो है वो हमेशा रियल यूजर्स करते हैं, ऐसा नहीं होगा कि कंपनी जो है उसके जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हैं या टेस्टिंग की जो टीम है वो करेगी, नहीं। यहाँ पे बीटा टेस्टिंग जो है वो कौन करता है, जो रियल यूजर्स होते हैं, मतलब जिनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ये जो टारगेट सॉफ्टवेयर टारगेट मार्केट कहलाता है, तो वही लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अल्फा टेस्टिंग इज़ डन बाय, अल्फा टेस्टिंग कौन करता है। देखो दो टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं अभी, बीटा टेस्टिंग जो है उसको यूजर्स करते हैं, अल्फा टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो अल्फा टेस्टिंग यूजर्स नहीं करते हैं। तो यूजर्स वाले पार्ट तो जो हैं वो सारे हट ही जाएंगे, ए वाला पार्ट जो है नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। अच्छा देखो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लिखे हुए हैं सिर्फ। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर तो कोई भी हो सकता है, हो सकता है जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया हो उसके बारे में बात हो रही हो, या फिर हो सकता है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में बात हो रही हो। तो मतलब ये वाला पॉइंट जो है इसमें हम कन्फ्यूज़ हैं थोड़े। सेकेंड लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो इंटरनल एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर्स बोल सकते हैं। हाँ, जो आपके अल्फा टेस्टिंग होती है उसके लिए एक डेडिकेटेड टीम होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, या एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम करता है। तो इसमें आंसर आपका क्या निकल के आया, इंटरनल एम्प्लॉय और सॉफ्टवेयर टेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, एन अरे विच हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर डेटा एलिमेंट एट द बिगनिंग बट एंड्स विद अनयूज्ड स्टोरेज लोकेशंस आर सेट टू बी। देखो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हमको लेना पड़ेगा तब आप इसको समझ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेके चलें कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, एक कंपनी है उसके अंदर आप लोग जॉब करते हैं, आप लोगों का 30 लोगों का ग्रुप है, आपका जो ग्रुप बनाया गया है इस ग्रुप में 5 टास्क असाइन किए गए, और जो टीम बनाई गई वो टीम यूनिफॉर्म नहीं बनाई गई। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि अगर 5 टास्क है तो हो सकता था कि 6-6 लोगों की टीम बना दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। टीम जो बनाई गई टीम के अंदर किया क्या गया, एक जो मतलब पहली टीम थी उसमें 3 एम्प्लॉय रख दिए गए, दूसरी वाली जो टीम थी उसमें 9 एम्प्लॉय रख दिए गए, तीसरी वाली जो टीम थी उसमें 4 रख दिए गए, फोर्थ जो टीम थी उसमें 7 रख दिए गए, और इसमें 6 रख दिए गए। अब देखो अगर हम इसकी मैट्रिक्स बनाने की बात करें, या मैट्रिक्स भी छोड़ दीजिए आप, अगर हम इसका एरे बनाने की बात करें, अब एरे इसका बनाएंगे हम तो नॉर्मल सी बात है मल्टी डायमेंशनल अरे बनाना होगा। अब मल्टी डायमेंशनल बनाने के पीछे आपको क्या चाहिए, दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है रो, एक होता है कॉलम। दो चीज़ों की हमको रिक्वायरमेंट होती है। अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर रोज़ की हम बात करें तो रो तो हमको पता है कि यहाँ पे अगर 6 टीम है तो 6 रो बन गई, लेकिन कॉलम की अगर हम बात करें तो कॉलम में कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन भी कैसे, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हम देखें तो 9 कॉलम चाहिए, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 6। तो अब देखो इसका जो एरे बनेगा उसमें हमको मजबूरन कंपल्सन हो गया हमारा कि हमको 9 ही कॉलम बनाने होंगे। तो देखो इसका जो एरे बना, अब इस चीज़ को समझिएगा, उसमें यहाँ पे 3 जो वैल्यूज है वो यूजफुल रहेंगी, बाकी की जो वैल्यूज है जितनी भी वो यूजफुल नहीं है। यहाँ पर सारी की सारी जो 9 वैल्यूज रहेंगी ये सारी की सारी यूजफुल है, यहाँ पे जो 4 वैल्यूज़ हैं वो यूज़फुल है बाकी यूजफुल नहीं है, यहाँ पे जो 7 वैल्यूज़ हैं वो हमारे लिए यूजफुल है बाकी की यूज़फुल नहीं होंगी, इसी तरह यहाँ पे 6 जो वैल्यूज़ हैं ये यूज़फुल होंगी बाकी की यूज़फुल नहीं होंगी। तो यहाँ पे जो आपका एरे है इसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम तो हैं डेटा एलिमेंट्स के लिए, लेकिन जब आप इसको स्टोर करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है कि जो डेटा होगा वो अनयूज्ड लोकेशन पे चला जाएगा। तो इसको बेसिकली कहा जाता है आपका जैक्ड अरे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ लीजिएगा इसको अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इफ साइज ऑफ लोअर बाउंड इज़ 1 देन व्हाट विल बी द साइज ऑफ अरे। देखो दो टॉपिक हमने अभी दो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किए थे, एक था तो आपका लोअर बाउंड, एक था अपर बाउंड। अगर लोअर बाउंड को एक वैल्यू दी हुई है तो नॉर्मल सी बात है ये एक दिया हुआ है, मतलब क्या है ये
डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर नहीं भी दिया हुआ होता है लोअर बाउंड, जैसे एग्जांपल हम लें ए बी सी कह रहे हैं, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो ये जो 20 है ये अपर बाउंड की वैल्यू है और यही इसकी साइज़ भी होगी। कैसे पता लगा? क्योंकि जो अपर बाउंड है उसमें से लोअर बाउंड हम माइनस करते हैं प्लस वन करते हैं तो साइज़ हमको मिल जाता है। तो 20 माइनस वन प्लस वन, तो ये तो कट गया आपका, 20 आपको साइज़ मिली। तो यहाँ पे एक जो होती है वैल्यू, ये लोअर बाउंड की जो वैल्यू एक हम लेके चल रहे हैं, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट लेके चल रहे हैं। मतलब कि क्या है, अगर वैल्यू दी हुई होगी तब भी हम इसको एक मानेंगे, नहीं दी हुई होगी तब भी हम इसको एक मानेंगे। तो लोअर बाउंड की वैल्यू अगर आपको एक दी हुई है तो जो साइज़ होगा अरे का वो क्या होगा, जितना उसका अपर बाउंड है उतना उसका साइज़ होगा। तो लोअर बाउंड नहीं होगा, वन भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, इक्वल्स टू अपर बाउंड, ये इसका आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बबल सॉर्ट जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपको याद होना चाहिए, बबल सॉर्ट जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है। जो आपका सिलेक्शन सॉर्ट होता है उसकी भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, जो इंसर्शन सॉर्ट होता है इसकी भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मर्ज सॉर्ट जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। जैसे देखो मर्ज सॉर्ट जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। इसका आंसर निकल गया ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस थे जो डिस्कस किए इस वाले सेक्शन के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और चाहते हैं आपकी ऐसे वीडियोज़ हम रेगुलर बेसिस पर अपलोड करें तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग कोर्स हमारा परचेज़ करना चाहें तो कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे अगर चाहें आप तो हमारी वेबसाइट है अपनी पाठशाला .in, www.apnipathshala.in, इस वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको जो हमारा मतलब कोर्स है उसके बारे में यहाँ से डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पे जो कोर्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका प्रोफेशनल नॉलेज का है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आप उसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।